वेलकम टू माय चैनल तृप्तीज बर्ड। मैं हूँ तृप्ति और ये आप देख रहे होंगे मेरे बहुत सारे दुपट्टे जो कि बहुत पुराने हैं और मैं सोच रही थी इनका रीयूज कैसे करूँ। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अपने पुराने दुपट्टों का रीयूज कैसे करें, तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि पुराने दुपट्टों का हम रीयूज कैसे कर सकते हैं, उनकी हम चीज़ें कैसे बना सकते हैं, कपड़े कैसे बना सकते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कॉमन दुपट्टा होता है वो होता है हमारा शिफॉन जॉर्जेट का दुपट्टा, जो कि हम सबके पास मोस्टली होता ही होता है। तो इस तरह के दुपट्टे जो होते हैं इस तरह से काफ़ी सुंदर भी लगते हैं। तो इस तरह के दुपट्टों का आप रीयूज कैसे करें, तो सबसे पहले तो दुपट्टे बहुत 2.5 मीटर के होते ही होते हैं, उनकी जो लेंथ विड्थ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस तरह के शिफॉन के जॉर्जेट के आप क्रॉप टॉप आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, तो क्रॉप टॉप आप इस तरह से बना सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सी थ्रू है, तो आप इसमें लाइनिंग ना लगाएं, लाइनिंग लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर आप टेलर से सिलवाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टिचिंग ले लेते हैं। तो इसके साथ आप टैंक टॉप या फिर स्पैगेटी पहन सकते हैं। तो इस तरह के आप क्रॉप टॉप बनवा सकते हैं या फिर आप लॉन्ग टॉप भी बनवा सकते हैं, जो पेपलम टॉप होते हैं नीचे फ्रिल लगा के, वो भी बनवा सकते हैं। तो ये इजीली 2 मीटर 2.5 मीटर के दुपट्टे में आपके बन जाते हैं और बहुत ही सुंदर भी लगते हैं, और टॉप आप सालों साल भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें कॉटन दुपट्टा भी हमारे पास सबके पास होते ही होता है। तो कॉटन का दुपट्टा कहाँ है, ये रहा कॉटन का दुपट्टा। तो इस तरह का जो कॉटन दुपट्टा होते हैं, इट कॉटन के दुपट्टे होते हैं हमारे पास बहुत सारे, टाई एंड डाई या फिर इंडिगो प्रिंट के दुपट्टे होते हैं। तो उसमें बेस्ट चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह के श्रग्स बनवा सकते हैं या फिर आप ओपन जो लॉन्ग श्रग होते हैं वो बनवा सकते हैं। इस तरह के बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ये श्रग। आप अंदर टैंक टॉप पहन के, नीचे जीन्स पहन के इस तरह के श्रग पहन सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इस तरह के श्रग। वाइट कुर्तीज़ के साथ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरह के कॉटन दुपट्टे से आप इस तरह के श्रग बनवा सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास आजकल होते हैं वो है नेट के दुपट्टे। तो ये जो मेरा नेट का दुपट्टा है, ये बहुत ही ज़्यादा लेंथ में भी बहुत बड़ा है और विड्थ में भी बहुत ज़्यादा है, तो 2.5 मीटर से भी ज़्यादा बड़ा है ये दुपट्टा। तो आपके पास अगर इतने लंबे चौड़े कोई दुपट्टे हैं तो आप उनकी स्कर्ट या लहंगा इजीली बनवा सकते हैं। लहंगे में तो बहुत ज़्यादा फ्लेयर आती है, आप स्कर्ट बनवा सकते हैं, उसके साथ आप लाइनिंग लगवाइए और स्कर्ट बनवाइए और उसको आप कैनकैन स्कर्ट के साथ पहनिए। कैनकैन स्कर्ट के साथ और ज़्यादा फ्लेयर आ जाएगा, तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस तरह की आप स्कर्ट बनवा सकते हैं, फ्रिल वाली कोई ड्रेस बनवा सकते हैं। तो इस तरह के नेट के दुपट्टे को आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे जो कॉटन के हमारे बहुत बड़े बड़े दुपट्टे होते हैं, तो उनको हम कैसे यूज़ करें। जैसे ये मेरा दुपट्टा है, ये काफ़ी बड़ा दुपट्टा है, तो यहाँ पे ये प्रिंट भी है यहाँ पर थोड़ा सा। तो इस तरह के दुपट्टे काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, तो इस तरह के दुपट्टों से आप इस तरह से शरारा गरारा भी बनवा सकते हैं। तो आई थिंक ये 2 मीटर के दुपट्टे में तो नहीं बन पाएगा, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप ये नीचे आप कॉटन का दुपट्टा यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर आप ऊपर प्लेन कपड़ा कोई भी ऐड करा सकते हैं। एक्स्ट्रा आप कपड़ा ले लीजिए मार्केट से और ऊपर आप यहाँ पे ऐड करा दीजिए, तो यहाँ पे फ्रिल में आप अपना दुपट्टा यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह का कॉटन दुपट्टा आप यूज़ कर सकते हैं अपना शरारा बनाने के लिए, और कॉटन के जो लॉन्ग श्रग आते हैं आप वो बना सकते हैं, जैकेट्स बना सकते हैं और कॉटन की कुर्तीज़ बना सकते हैं, जो शॉर्ट कुर्तीज़ होती हैं हम जीन्स के साथ पहन सकते हैं वो। तो जीन्स के साथ हम कॉटन कुर्तीज़ पहनते हैं, पेपलम कुर्तीज़ जो होती हैं वो बना सकते हैं। तो इस तरह के कॉटन दुपट्टे तो बहुत ही ज़्यादा रीयूज़ कर सकते हैं उनको हम। इसके अलावा जो हमारे इस तरह के दुपट्टे होते हैं थोड़े से प्रिंटेड, ये बांधनी टाइप का जो दुपट्टा होता है, जो टाई एंड डाई और इस तरह के दुपट्टे आपने देखे होंगे, इस तरह की साड़ियाँ भी बहुत होती हैं और इनकी जो लेंथ और विड्थ है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो इस तरह के दुपट्टों को आप जो डबल साड़ी होती हैं, हाफ एंड हाफ साड़ी होती है, उस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे दो दुपट्टे हैं, जैसे कि मेरे पास ये है एक, तो एक मेरे पास ये दुपट्टा है और एक ये दुपट्टा है, तो काफ़ी मैचिंग मैचिंग भी है, तो इनको मैं दोनों को जोड़ के एक हाफ एंड हाफ साड़ी बना सकती हूँ
और अगर आपकी 5 मीटर की या 6 मीटर की साड़ी पूरी नहीं होती है तो आप 1 मीटर एक्स्ट्रा कपड़ा मार्केट से लेके ऐड कर सकते हैं, उसको आप अंदर की साइड ले सकते हैं और जो आपकी प्लीट्स में है वो ये दुपट्टा आ जाएगा और आपके पल्लू में ये वाला दुपट्टा आ जाएगा। तो आपकी बहुत ही खूबसूरत सी हाफ एंड हाफ साड़ी तैयार हो जाएगी और बहुत ही प्यारी भी लगेगी और आपके दुपट्टों का यूज भी हो जाएगा। उसके बाद जो कॉटन सिल्क के दुपट्टे होते हैं वो आजकल हमारे पास बहुत ही होते हैं। कॉटन सिल्क के जो दुपट्टे बीच में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चले थे तो उनसे हम इस तरह की कुर्तीज बना सकते हैं। ये कॉटन सिल्क की कुर्ती है तो इसमें अगर आपके पास दुपट्टा इतना बड़ा नहीं है तो आप यहाँ पे ऊपर आप कोई भी कपड़ा ऐड कर लीजिए, प्रिंटेड कपड़ा ऐड कर लीजिए, नीचे प्लेन छोड़ दीजिए और नीचे उसका जो दुपट्टे का बॉर्डर है वो यहाँ पे ऐड करा लीजिए, तो इस तरह की कुर्ती बना सकते हैं हम। इसके अलावा जो हमारा कॉटन सिल्क का दुपट्टा होता है उससे इस तरह के ब्लाउजेज आप बना सकते हैं जो कि बहुत सारी साड़ियों के साथ मिक्स एंड मैच हो जाते हैं। तो इस तरह का दुपट्टा कॉटन सिल्क दुपट्टे से आप ब्लाउजेज बनवा सकते हैं तो ये बहुत ही सारी साड़ियों के साथ मिक्स एंड मैच हो जाते हैं। तो और उसके अलावा जो शिफॉन के दुपट्टे हैं उससे आप इस तरह के स्कार्फ आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं तो आप इस तरह के स्कार्फ बना सकते हैं आधा आधा करके। आपकी कोई फ्रेंड है, सिस्टर है तो उसके साथ आप शेयर कर लीजिए, एक आप यूज़ कर लीजिए, एक आपकी सिस्टर यूज़ कर लेगी, तो इस तरह के स्कार्फ आप बना सकते हैं। तो ये प्योर शिफॉन है जो कि मैंने दुपट्टे से बनाया है ये स्कार्फ, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आता है, मेरा दुपट्टे से ज़्यादा आजकल स्कार्फ यूज़ में आते हैं। तो ये तो हो गए हमारे जो कपड़े यूज़ होते हैं। आजकल लॉन्ग जो जैकेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो अगर आपके पास बनारसी दुपट्टा है, जैसे मेरे पास ये बहुत ही हैवी एक बनारसी दुपट्टा है और इसकी लेंथ विड्थ बहुत ही ज़्यादा है, ये 3 मीटर का दुपट्टा है, ये भी बनारसी सिल्क है और बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा दुपट्टा है, तो इसमें आप ईजीली कोई भी स्कर्ट, इस तरह की स्कर्ट बना लीजिए। तो अगर ये बहुत ज़्यादा थिक है तो आपको लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है लगाने की, अगर थोड़ा सा भी ट्रांसपेरेंट है आप लाइनिंग लगवा सकते हैं। तो इस तरह की स्कर्ट जो है वो आप इसके साथ साड़ी भी पहन सकते हैं इसके ऊपर, आजकल लहंगा साड़ी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है तो लहंगे के साथ आप साड़ी ड्रेप कीजिए, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है कि लहंगे के साथ साड़ी को कैसे ड्रेप करें। तो इस तरह के स्कर्ट के साथ आप साड़ी भी पहन सकते हैं, इसके ऊपर क्रॉप टॉप पहन के आपको इसको लहंगे की तरह स्कर्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप जैसे ये आजकल कुर्तीज़ चल रही हैं फ्रंट ओपन, तो इस तरह की कुर्तीज़ भी बना सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं लगता है तो ये 2 मीटर 2.5 मीटर में ईजिली बन जाती हैं। तो ये यहाँ से फ्रंट कट है और इसमें कोई लाइनिंग नहीं लगी हुई है क्योंकि अंदर इसमें प्लाजो आ जाता है, तो प्लाजो आप रेडीमेड ले सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास कोई और मिक्स एंड मैच दुपट्टा है तो उसी तरह का आप बनारसी दुपट्टे का इस तरह का प्लाजो बना सकते हैं। प्लाजो में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कपड़ा पूरा नहीं पड़ रहा है या फिर कम पड़ रहा है तो आप ऊपर कोई भी अटैच करा सकते हैं कपड़ा, क्योंकि ऊपर से तो इतना ज़्यादा नहीं दिखता है तो ऊपर अटैच करा के आप नीचे से अपना दुपट्टा यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की जो कुर्तीज़ होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं बनारसी सिल्क में, और बहुत ही ज़्यादा आजकल साड़ियों के साथ भी लॉन्ग श्रग चल रहे हैं बनारसी सिल्क में, या सिल्क के दुपट्टे हैं आपके पास तो आप ओपन श्रग बनवा लीजिए और फुल, और वो साड़ी के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, लहंगों के साथ ट्रेंड में है तो आप उनको उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। साइड में आप यहाँ पे कोई भी बॉर्डर ऐड करवा दीजिए, एम्ब्रॉयडरी करवा दीजिए, वो थोड़ी एम्ब्रॉयडरी एक्सपेंसिव पड़ जाती है, बॉर्डर बहुत अच्छे अच्छे रेडीमेड आ रहे हैं तो आप वो लगा सकते हैं, अगर आप घर पर लगा सकते हैं तो। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है वो है काफ्तान्स, टॉप हो गए, काफ्तान कुर्तीज़ हो गई, लॉन्ग काफ्तान, शॉर्ट काफ्तान, ये पूरा शिफॉन का मेरा काफ्तान है तो ये रेडीमेड है, लेकिन आप इसको शिफॉन या जॉर्जेट के दुपट्टे से बनवा सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना है कि यहाँ पे गले की शेप देनी है, गला यहाँ से गला आप टेलर से कह के एक गला आप यहाँ पे कटवा लीजिए और यहाँ पे आस्तीन में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे सिलाई लगाना है।
तो यहाँ पे एक स्लीव्स बन जाती हैं इस तरीके से, ये पूरा ओपन है, यहाँ पे एक एक स्टिचिंग आप यहाँ पे करा लीजिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है दुपट्टे से काफ्तान बनाना। तो इसको आप लेगिंग के साथ, प्लाजो के साथ, जीन्स के साथ, आप किसी के साथ भी पहन सकते हैं। हाँ, और इजीली आप इतने ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं ना काफ्तान, बहुत ही ज़्यादा, आप मार्केट में भी जा सकते हैं, पार्टीज़ में जा सकते हैं। तो काफ्तान बनाना भी बहुत इजी है दुपट्टे से, और दुपट्टे का बहुत ही अच्छा यूज़ भी है, और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है। तो ये तो हो गए दुपट्टे की हम किस तरह से उनके कपड़े बना सकते हैं, हम उनको किस तरह से रीयूज़ करके पहन सकते हैं। उसके अलावा आप दुपट्टों को होम डेकोर में भी यूज़ कर सकते हैं, आप टेबल क्लॉथ बना सकते हैं। अगर आपका कॉटन का कोई वाइट दुपट्टा है, उसके चारों ओर आप लेस लगाइए, या फिर कोई भी आप बॉर्डर लगा सकते हैं, तो आपका टेबल क्लॉथ अच्छे से, डाइनिंग टेबल का टेबल क्लॉथ या सेंटर टेबल का टेबल कवर आपका बन जाएगा। आप रनर्स बना सकते हैं दुपट्टों को जोड़ जोड़ के, आप रनर्स बना सकते हैं। उसके अलावा जो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ऑर्गेंजा आजकल बहुत ज़्यादा कर्टेंस में यूज़ हो रहा है, तो मैंने अभी मिंत्रा से मंगाए थे अपने कर्टेंस जो कि ऑर्गेंजा में है। अगर आपके पास ऑर्गेंजा दुपट्टे हैं तो आप उनको विंडो के आपके ऑर्गेंजा कर्टेंस बन जाएंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत भी लगते हैं। तो इस तरह से आप ढेर और ढेर यूज़ कर सकते हैं अपने दुपट्टों का। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।